Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn lesson 4 in the first day of the school. पहला दिन एक बच्चा स्कूल में जाएगा तब उनका मन में क्या क्या विचार आते हैं, ये पोएट हमको इसके बारे में बोल रहे हैं। ये पोएम आलिन फिशर ने लिखा था, वो भी नाम भी याद रखना है, ठीक है? AILENFISHER, एलिन फिशर। रीड द पोएम फर्स्ट। ओके, आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी as गुड as theirs। आई वंडर, वंडर मीन्स जो कुछ जानना चाहते हैं वो है वंडर। ये बच्चा ऐसे जानना चाहते हैं इफ माई ड्रॉइंग विल बी as गुड as theirs। जब स्कूल में मैं जाके ड्रॉइंग करेगा तो और बच्चों की तरह है अच्छा होगा है? या मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं होगा, ऐसे उनके मन के अंदर विचार है। पहली बार स्कूल में जा रहे हैं इसलिए फर्स्ट डे। आई वंडर दे विल लाइक मी, वो सब मुझे पसंद करेगा। और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स ऐसे जो पसंद नहीं ऐसा आंखों से देखते हैं वो ये स्टेयर्स। आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, जो मुझे जो पसंद करेगा नहीं तो अच्छा नहीं ऐसे करके देखेगा। ये मैं जानना चाहती हूँ, जानने के लिए मेरे अंदर इच्छा है। I wonder if my teacher will look like mom or gran। ये भी मेरा मन के अंदर जानना चाहते हैं मेरा टीचर किस तरह होगा, look like my mom, मेरी मम्मी जैसा होगा, और gran means grandmother, मेरी grandmother जैसे होगा, मेरी मम्मी जैसे होगा, और मेरी दादी जैसे होगा, हैं ऐसे भी मेरे मन के अंदर विचार है। और आई वंडर इफ माई पप्पी, मैं ऐसे ये भी मेरे मन के अंदर आ रहे मेरे पप्पी, मेरे घर पे मेरे पप्पी है, विल वंडर वेयर आई एम। जब मैं स्कूल में जाते हैं तब वो पप्पी भी ऐसे मुझे ढूंढने लग जाएगा शायद, मैं कहाँ गया, ऐसे सोच के पप्पी भी मुझे ढूंढेगा। ये सारे मेरे फर्स्ट डे में स्कूल में जाने के समय ये सारे मेरे अंदर विचार होता है। समझ में आया? दोबारा रीडिंग करेंगे। आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी as गुड as theirs। आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक like mom or gran। I wonder if my puppy will wonder where I am। Understand? Okay, read this lesson 10 times and you try to learn this by heart, it is very good। ये poem जो मिलते हैं याद करने के लिए कोशिश करना, ये हमारे लिए बाद में अच्छा लगेगा। वो काफ़ी पोएम हमको याद है तो बाद में मज़ा लगेगा। ओके, थैंक यू।